अभी हमने सिंगल प्रोडक्ट के ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमिन किया तो अब हम मल्टी प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट के ब्रेक इवन डिटरमिन करेंगे लेट्स लुक एट द डिफरेंट डेटा इसके अंदर फिक्स कॉस्ट दी हुई है थर्टी फाइव हंड्रेड दिस इज अ कफे उसका डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उस बेसिस के ऊपर डिटरमिन करना है कि सैंडविच कितने सेल होने चाहिए लेट से पर डे के उसके हमें uh, जो के हम ब्रेक इवन अचीव करें तो वो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है फिक्स कॉस्ट थर्टी फाइव हंड्रेड पर मंथ है uh, जबकि जो आइटम्स दिए हुए हैं उसमें सैंडविच है सॉफ्ट ड्रिंक बेक पोटैटो टी एंड सैलड बार प्राइस सैंडविच की रखी हुई है टू डॉलर्स नाइन्टी फाइव सेंट जो कॉस्ट आ रही है वेरिएबल कॉस्ट दैट इज वन डॉलर एंड ट्वेंटी फाइव सेंट्स और एनुअल फोरकास्ट जो है सेल की वो सेवन थाउजेंड यूनिट्स की है इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो एटी सेंट्स एंड कॉस्ट उसकी थर्टी सेंट्स है जबकि एनुअल जो डिमांड फोरकास्ट है और सेल फोरकास्ट है वो सेवन थाउजेंड यूनिट्स की है बेग पोटैटो वन डॉलर फिफ्टी फाइव सेंट्स के प्राइस है जबकि उस पर कॉस्ट आती है फोर्टी सेवन सेंट्स की और फाइव थाउजेंड यूनिट्स की उसकी सेल uh, की फोर है टी सेवेंटी फाइव सेंट्स कॉस्ट ट्वेंटी फाइव सेंट्स एंड डिमांड या सेल की फोर कैश इज फाइव थाउजेंड सेलेट बार टू डॉलर एटी फाइव सेंट्स प्राइस है उसकी कॉस्ट वन डॉलर है और उसकी जो फोर कैश्ट सेल की साल की वो थ्री थाउजेंड यूनिट्स की है अब हमने इसका कैलकुलेट करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए कि वो ब्रेक इवन अचीव कर लें तो वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं डीज आर द डाटा जो हमने दिया था उसके अंदर हमें ये इसका डाटा दिया हुआ था सेलिंग प्राइस दी हुई थी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी और एनुअल सेल्स इन यूनिट्स दिए हुए थे इसको हमने मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस से तो हमारे पास डॉलर टर्म्स के अंदर हर प्रोडक्ट की जो फोरकास्ट uh, है सेल की वो आ गई फॉर एग्जांपल 2.95 प्राइस थी इसकी सैंडविच की और 7000 यूनिट्स की हमने कहा था कि फोरकास्ट है सेल की तो उसको मल्टीप्लाई करें ट ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी इसी तरह हमने सबका कैलकुलेट किया और हर वो जो सेल के वो जो है प्रोडक्ट की वैल्यू उसको हमने टोटल रेवेन्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास हर प्रोडक्ट की परसेंटेज आ गई सेल्स के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू द टोटल सेल्स रेवेन्यू और उस बेसिस के ऊपर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो सम है ये टोटल वन होना चाहिए बिकॉज हमने जो इनको वो वेटेज दिया हुआ है उसको जब हम सम करते हैं तो वो हंड्रेड परसेंट पर आना चाहिए अच्छा इसके अंदर जो दूसरी हमने चीज़ कैलकुलेट की है वो V डिवाइडेड बाय P क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं हम अपने फार्मूला में जब हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में तो इट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वन माइनस वी ओवर पी सो वो हमने वी ओवर पी कैलकुलेट किया और उसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने वन माइनस वी ओवर पी किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई अब हमने क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला था जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए है उसके अंदर हम इनको सम करते हैं आपस में आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दिस डब्ल्यू तो वो फिर हमारे पास टोटल आता है जो कि हमने इधर किया हुआ है और ईच प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल पॉइंट फोर फोर सिक्स मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी एट विल गिव पॉइंट टू फाइव नाइन इसी तरह पॉइंट वन टू वन मल्टीप्लाई बाई पॉइंट जीरो एंड सो ऑन इन जब सबको सम हम करेंगे तो वी विल गेट पॉइंट सिक्स टू फाइव जो कि फिर हम इसको यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ वन माइनस वी ओवर पी वी विल यूज दिस थिंग

मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व क्योंकि हम ये एनअल उसके अंदर ले रहे हैं तो ये मंथली था फिक्स कॉस्ट थर्टी फाइव हंड्रेड लेकिन हमने सेल्स एनअल की डिटरमिन की हुई है तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एनुअल फिगर फिक्स कॉस्ट अगर सेल मंथली दी होती तो फिर हमें ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी नाउ दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग यू कि ये सैंडविच के लिए है एंड सो ऑन ये सॉफ्ट ड्रिंक के लिए हमने कैलकुलेट किया और इन सब को जब सम किया तो इट कम्स टू पॉइंट सिक्स टू फाइव तो हमने एनुअल फिक्स कॉस्ट जो कि ये है उसको डिवाइड किया ये जो आरे की कंट्रीब्यूशन को हमने सम करके जो वैल्यू निकाली थी तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर आता है सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड दैट मीन्स कि अगर ये रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे तो हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा इससे ज्यादा होगा तो प्रॉफिट में चले जाएंगे इससे कम होगा तो हम लॉस में चले जाएंगे अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें इनटू डेली सेल्स तो ये हमारा रेवेन्यू है उसको डिवाइड किया 312 डेज से 312 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि 312 days, ये जो कैफे है ये खुला होता है बाकी दिन बंद होता है दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन वीक फॉर दिस कैफे सो इसके अंदर 312 से डिवाइड किया तो हमारे पास पर डे के रेवेन्यू आ रहा है कि 215 हंड्रेड एंड फिफ्टीन डॉलर एंड थर्टी सेंट्स की हम सेल करेंगे हर एवरी डे तो हमारा ब्रेक इवन हम अचीव कर रहे हैं अगर इससे ज्यादा सेल हो जाएगी तो प्रॉफिट होगा इससे कम हुई तो लॉस होगा अब सैंडविच कितने होने चाहिए हमारे पास सैंडविच की जो सेल की कंट्रीब्यूशन थी वो पॉइंट फोर फोर सिक्स थी जो आपको याद होगा विच वॉज डब्ल्यू की वैल्यू पॉइंट फोर फोर सिक्स इट इज परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय टू वन फाइव पॉइंट थ्री एट डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस तो हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ सैंडविचेस विच शुड बी सोल्ड इन अ डे टू गेट इट्स कंट्रीब्यूशन जो कि हमें चाहिए फॉर ब्रेक इवन तो दैट मीन्स के थर्टी थ्री हर रोज बिकने चाहिए इसी तरह हम दूसरे प्रोडक्ट्स की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और डिटरमिन कर सकते हैं कि हर प्रोडक्ट कितना डेली uh, सेल uh, होगा कि हम वो ब्रेक इवन अचीव करेंगे